बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम व्यूवर्स के? सब खुश हैं, अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें। आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और मैं एक चीज़ बना रही हूँ आज, इसकी मुझे बहुत फरमाइश थी, तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अंडों का हलवा। तो अंडों का हलवा मुझे जिन लोगों ने फरमाइश की थी उनमें असका फारसी, महमूदुल हसन और मिसिस फारूक। और मिसिस फारूक, ख़ास तौर पर आपने मुझे ये कहा था कि उसमें सूजी ना शामिल हो, तो आज हम इसी तरह का हलवा बनाएंगे जिसमें अंडों का हलवा इस तरह बनाएंगे कि जिसमें सूजी जो है वो इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, आज हम सूजी के बगैर वाला बनाएंगे और ये रेसिपी मुझे मेरे सर ने दी है, तो प्लीज़ कमेंट्स कर उनका ज़रूर थैंक्स कर दीजिएगा। सर शौकत अली होते हैं, इस्लामाबाद के किसी होटल में एज अ सीनियर शेफ़ काम करते हैं वो, उन्होंने मुझे ये रेसिपी दी है, तो उनका ज़रूर थैंक्स कर दीजिएगा सर शौकत अली के नाम से। तो उनको भी थोड़ी खुशी हो जाएगी कि चलो मैंने अगर रेसिपी दी है तो किसी का भला हो जाए। ठीक है, आज मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे दी, और तमाम लोग खुश हो जाए क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और अंडों का हलवा जो है वो आपको आपके लिए बेहतरीन ऐसी चीज़ है कि आप खाएंगे तो आपको सर्दी सर्दी भी फील नहीं होगी। ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। आधा किलो मैंने खोया लिया है, साथ मैंने अंडे लिए हैं। अंडे का साइज छोटा था इसलिए मैंने साथ लिए, वरना 6 अंडे थे। ठीक है, अंडे अगर आपके पास बड़े अंडे हैं तो वो 6 भी चलेंगे, और ये छोटे थे तो मैंने साथ लिए। ठीक है, आधा किलो खोया, 7 अंडे, आधा किलो चीनी और आधा किलो देसी घी, और 25 ग्राम मैंने लिया है क्या ये अखरोट, और 25 ग्राम बादाम और 25 ग्राम ही पिस्ता, और ये 8 से 10 दाने जो हैं वो छोटी इलायची के मैंने कूट लिए थे। ठीक है, बारीक, और ये येलो कलर जाएगा। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा लंबी क्वांटिटी नहीं है कि जिसमें आपको समझना है। अक्सर लोगों को मेरी रेसिपी समझ नहीं आती, तो मैं ये हैरान हूँ कि किन लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि मैं तो इतनी बारीकी से बताती हूँ कि मैं तो गरम मसाले की ही बात ले लीजिए कि मैंने अगर 1.5 टेबल स्पून अगर काली मिर्च, नहीं, हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी काली मिर्च ज़्यादा थी तो मैं कंफ्यूज करने के बजाय मैंने वो गिन ली थी, उस पर भी लोग कहते हैं कि मैं समझ नहीं आया, तो बहुत हैरत है। मैं तो बहुत बारीकी से समझाती हूँ, आप लोगों का भला हो, आप लोग कुछ सीखें, तो ज़्यादा बारीकी इसलिए बताती हूँ। तो ये देखें, सब सब सामान आपके सामने है, मैं फिर रिपीट कर दूँ, 25-25 ग्राम ये तीनों चीज़ें हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कहते हैं छोटी इलायची है पिसी हुई, आधा किलो आधा किलो आधा किलो, ये तीन चीज़ें, आधा किलो और 7 अंडे। ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम घी को मेल्ट करेंगे, तेज़ हीट पर नहीं कीजिएगा, इसको मेल्ट करेंगे। ठीक है, आधा किलो घी है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये देसी घी है और ये पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि हम जब चिकनाई देखेंगे ना हलवे के ऊपर आ गई है तो हम उसी वक्त छोड़ देंगे। हो सकता है 400 ग्राम, हो सकता है 300 350 ग्राम हमारा यूज़ हो, इसलिए मैंने आधा आधा किलो लिया है, क्योंकि इसमें हमें ये होगा कि हमें कितना चाहिए। तो ये रेसिपी सेम वैसी ही बनेगी जैसे मुझे बताई गई है। ठीक है, उन्होंने भी बोला था कि आपने घी ज़्यादा लेना है, जब जैसे ही आपका हो कि आपको चिकनाई जितनी चाहिए आप उसी वक्त हाथ रोक लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि किस वक्त ये डलेगा। ठीक है, इसको स्लो हीट पे इसको गर्म होने दें, और ये भी मैंने चूल्हा जला लिया, ये देखिए स्लो हीट है, इसका स्लो पे रखना है, और फिर हमने इसको खोया शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम रखें, बल्कि देखें आप कितना स्लो है, इतना स्लो रखें, इसको मक्खन खोए को पिघलाना है, मेल्ट करना है, जैसे ही मेल्ट होता है फिर मैं आपको बताती हूँ। घी हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हमने सिर्फ मेल्ट करना था, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, ये चूल्हा बंद हो गया, ये मेल्ट हो गया, तो खोया हमने स्लो फ्लेम में, हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा ना जब, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितना मेल्ट हुआ है ना, इतना बिल्कुल मक्खन खोया जो है वो थोड़ा मुलायम हो गया। इसमें हम इस टाइम पर हमने चीनी शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाह, अब फ्लेम आपने स्लो ही रखना है, आप देख सकते हैं उतना ही है, मैंने ना तेज़ किया है ना कम किया है, बिल्कुल स्लो रखना है। और चीनी डालकर भी हमने इसको, चीनी को भी मेल्ट करना है। ये देखिए कितना मेल्ट हो गया, मैंने डोई इसलिए चेंज की है, वो चम्मच चौड़ा वाला था, ये डोई इसलिए चेंज की है कि हमें अब अंडे जब इसमें डालने हैं तो हमें ज़्यादा स्पीड में चम्मच चलाना है, वो चौड़ा चम्मच था तो वो उसमें ज़्यादा किनारों तक नहीं जा रहा था। ठीक है, अच्छा, अब इस टाइम पर हमने थोड़ा सा कलर ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाह, और
छोटी इलायची का पाउडर, जैसे ही हमने कलर जो है वो इसमें शामिल किया और छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया ना, इसको थोड़ा सा हिलाया ताकि कलर अच्छी तरह हर जगह पे मिक्स हो जाए, फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। फिर हमने तकरीबन 2 मिनट इसको छोड़ देना। फिर हमने अंडे हमने जो फेंट के रखे हुए थे ये देखें, ये फिर शामिल करके पहले यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना अच्छी तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म जो होगा उसमें अंडे जो हैं वो पक जाएंगे और हमें नहीं चाहिए, हमें मुलायम सा हलवा इसका तैयार करना है, हमें ऑमलेट की तरह नहीं बनाना। ठीक है, इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें 1-2 मिनट में, ताकि इतना नॉर्मल हो जाए, फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। देखिए 2 मिनट हमें तकरीबन हो चुके हैं, हमें इसको ठंडा तो नहीं खैर हुआ, गर्म ही है लेकिन इतना नहीं है, 2 मिनट हमने इसको छोड़ दिया ना, तो अब हम इस टाइम पर अंडे शामिल करके इंशाल्लाह तो फिर इसको तेज़ी से हिलाएंगे और इसको बिल्कुल मुलायम सा बना लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम अंडे इसमें शामिल कर दें। और इसको चूल्हे पे रखना शुरू कर दें आपने ना, ये देखें हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और फिर अब हम इसको इतनी ही इसका फ्लेम रखा हुआ इसके ऊपर रखेंगे, इस पर अब हमने टाइम लगाना है, क्योंकि हमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगाना है क्योंकि अब जो है ये बर्तन छोड़ दे, इतना हलवा हमने बनाना है कि ये गाढ़ा सा हो जाए और बर्तन से हटना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए इसको मिक्स करते हुए, देखें इतना मुलायम हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसको गाढ़ा करना है, वैसे इसके साथ हम जब गाढ़ा होने के करीब आ जाएगा ना तो हम उसमें घी भी शामिल कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखें हमने ना स्लो इसका फ्लेम पर हमने कितनी देर पकाया है कि ये इतना गाढ़ा हो गया, तकरीबन बर्तन छोड़ने के करीब तरीन हो गया, हम इस टाइम पर हमने घी शामिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके घी शामिल करें, उस वक्त मैंने घी डाला था ना, तो अभी थोड़ा सा और शामिल करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हमें जितना घी चाहिए होगा हम उसके हिसाब से शामिल करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बात आपको मैं बता दूं कि खोए पर भी डिपेंड करता है कि आपका खोया अगर अच्छा है तो वो ज़्यादा घी नहीं लेगा, अगर खोया थोड़ा इस तरह का है तो वो कई मरतबा ज़्यादा घी लेता है। तो मैंने 1/2 किलो जो घी लिखवाया है उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, जैसे ही आपकी शाइनिंग ऊपर आ जाए आपने छोड़ देना है। हो सकता है 300 ग्राम में काम हो जाए, हो सकता है 400 ग्राम में, लेकिन 500 ग्राम शायद ना डले, खोए पर डिपेंड करता है आपने, लेकिन 1/2 किलो ही रेसिपी के हिसाब से लेना है और उसको मेल्ट करके रखना है। आहिस्ता आहिस्ता डाल के आपने उसको चिकनाई का ऊपर आने का ध्यान रखना है कि ऊपर जैसे चिकनाई आए आपने छोड़ देना है, और ये बर्तन से लैदा होना शुरू हो जाए और ऊपर चिकनाई आ जाए तो आपने छोड़ देना है कि हलवा तैयार है। ये देखें घी जैसे ही आना शुरू हो जाए ऊपर, ये नज़र आ रहा है आपको, तो हमारा हलवा तैयार है, ये बर्तन से भी लैदा होना शुरू हो गया। देखिए इसको हम थोड़ा सा और चम्मच चलाएंगे, थोड़ा तेज़ तेज़, मैंने अभी जो है ना फ्लेम 1 मिनट के लिए तेज़ किया है क्योंकि घी जो है ना फटाफट ऊपर आ जाए। ये देखिए ऊपर घी जब आना शुरू हो जाए बर्तन छोड़ दिए तो अंडों का हलवा अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गया। अब हम इसको चूल्हा बंद करके डिश आउट कर देते हैं। करीब कर, करीब नहीं करना, बस ऐसे पाक है ना, बिस्मिल्लाह। चूल्हे दे रहा डोई में किन्ना लगा दे, एंड मैं बाद चो साफ कर लूँ। अच्छा ये देखिए तैयार हो गया, अब हमने इस पर बादाम पिस्ता, आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर खाली बादाम पिस्ता भी रखना है तो बादाम पिस्ता भी रख लें खाली। ठीक है, ये अखरोट है, ये फिर बादाम, ये फिर पिस्ता,
ये फिर अखरोट, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से जिस तरह आप चाहें इसको सजा लें, और इसको आपने लेकिन अभी नहीं, बादाम पिस्ता पाउडर, बादाम पिस्ता खट्टा बादाम, खट्टा बादाम वाकई आए थे क्या दिस तक रोड सी ना, खैर मिक्स हो जाएगा ना सीज। ठीक है, उसमें आए थे कि सी बादाम सन, हाँ नहीं ज़रूरी नहीं सन, मिक्स कर दा मैं सोच रहा डिफरेंट थोड़ा सा जाला। अच्छा ये देखिए हमने कितना अच्छा इसको सजा के आपके सामने पेश किया है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मिसेस फारूक आप खुश हो जाएं कि आपकी जो है आपने मुझे जो फरमाइश की थी कि मिसेस फारूक से, मिसेस फारूक की एक मिनट मेरे रजिस्टर में लिखा है मिसेस फारूक, एक मिनट ये लिखा है मिसेस फारूक थी। अच्छा ठीक है जी, मिसेस फारूक आप खुश हो जाएं कि आपको सूजी नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आपने पहले कभी ट्राई किया होगा तो आपने इसमें सूजी डाली होगी, इसमें सूजी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख कितना ज़बरदस्त आपके सामने बना, और इसको हम जब ना तकरीबन एक दिन के बाद इसकी टुकड़ियां करके खाएं, ये बिल्कुल सख्त सा हो जाएगा, हार्ड सा ना, टुकड़ियां करके खाना, टुकड़ियां करके खा लें, ऐसे खाना तो ऐसे खा लें, दोनों तरह चलेगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं पंजाबी दसदा कि अद्धा अद्धा किलो तीन चीज़ा लिया सन, खोया सी ते जड़ा है चीनी ते देसी घ्यो, सब तीनों चीज़ें अद्धा अद्धा किलो सन। अच्छा घ्यो जरा ना तुम जैसे ही उपर घ्यो आना शुरू हो जाए ना लास्ट तो उदो तुम छड़ देना, इसलिए मैं अद्धा किलो घ्यो तुम लिखवाया से, खोए के उत्ते डिपेंड करता खोया कि घ्यो लेंदा। तो उन्होंने ना मैं पा के ना खोए को पहले मेल्ट किया, उस तो बाद चीनी पाई है, तो चीनी पा के उन्होंने मिक्स किया, तो उस तो बाद ना मैं स्लो जहा चुला रखा था, तो उस तो बाद मैं ना जो अंडे पाने की वारी आई है ना तो मैं साइड पर ना उतार ली सी कढ़ाई, तो फिर अंडे मिक्स करके ना सात अंडे सन, तो उन्हें ना मिक्स करके मैं चंगी तरह चमचा चलाया वे ठंडा कर एक दो मिनट तक, फिर उड़ दो उस तो बाद मैं चुले के उत्ते रख के स्लो ही जरा फ्लेम से जो चूल्हा स्लो रखा था ना वो पका के, तो बेच छोटी इलायची तो कलर भी पाया से, इस तरह ही मुलायम मुलायम बन गया वे, वरना आमलेट की तरह बन जाने से टुकड़े टुकड़े स्क्रम्बल जो हो जाता ना वो ठीक नहीं है। तो उस तो बाद मैं ना आखिरी चो घ्यो पाना शुरू करता आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे घ्यो जैसे ही घ्यो उत्ते आए तो उत्थे तुसी समझ लो तुहाड़ा हलवा जिहड़ा तैयार हो गया। तो इहनूं जरूर ट्राई करना है, तो जरूर मैनूं दुआ जरूर याद रखना है। तो और किसी भी रैसिपी नूं तुसी अगर पकाना हुंदा है ना तो उन्हों लाइक विच तुसी कर लिया करो, लाइक का मतलब यह हुंदा है कि तुसी लभनी की तुहानूं मुश्किल नहीं होंगी। जैसे शुक्रिया अदा करते और किदा सर, हाँ सर शौकत अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी पंजाबी भी कहो तो उर्दू भी कह देना, सर शौकत अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने रेसिपी दी और शेयर की, हमने फिर आपको फिर YouTube पर मैंने शेयर की है और लोगों के साथ। और आप यकीन करें मुझे सर शौकत ने दो तीन और रेसिपीज़ भी बताई हुई हैं जो मैं वक्तन फवक्तन आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं और वो आप इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। तो वो तो इतनी फेवरेट है, इतनी फेवरेट है कि आप खुश हो जाएंगे, समझ लें जैसे नाश्ते में आपने लाजमी अगर ये चीज़ हो तो फिर आप कहते हैं कि बस मज़ा आ गया नाश्ते का, वो चीज़ मुझे बताइए। और बाकी एक और दो तीन और चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह टाइम पर मैं आपको शेयर करूँगी। तो जब तक उनको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा शौकत अली सर को, और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं थोड़ा सब का थैंक्स करनी है कि मेरी वीडियोज़ में पसंद कर दो, लाइक का बटन दबा के ना उन्हों वीडियो थोड़ी लाइक चाहिएगी, लाइक चाहिएगी फिर जो तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें कड़न से बहुत आसानी हो जाएगी, तुम लाइक का बटन दबाओगे तो वीडियोज़ थोड़े सामने आ जाएंगे जी जी चीज़ें लाइक की होगी, फिर नाम ना तुम बना लेना वरना लभनी पैंती मुश्किल हो जाती है। तो ठीक है मैं फिर इजाजत दो, ओके अल्लाह हाफिज़।